आज का दिन खरगोन शहर के लिए एक नई सौगात लेकर आया है। रोटरी क्लब खरगोन सिटी द्वारा अपने नए सेवा प्रकल्प रोटरी मेडिकल इक्विपमेंट बैंक का शुभारंभ कर इसे मानव सेवा हेतु शहरवासियों को समर्पित कर दिया है। खरगोन के CMHO DS चौहान के कर कमलों से फीता काट कर दीप प्रज्वलन कर क्लब के संरक्षकों की उपस्थिति में देवी रुक्मणी स्कूल परिसर में बैंक का शुभारंभ हुआ। क्लब अध्यक्ष KL राठौड़, बैंक के प्रोजेक्ट चेयरमैन कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि इस बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को मेडिकल इक्विपमेंट जैसे व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, वॉकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीन, मेडिकल बेड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर क्लब के नए संरक्षक बने डॉक्टर JC पालीवाल का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। साथ ही कर्तव्य ग्रुप को शहर में जारी एनिमल एक्टिविटीज से सम्मानित किया गया। इसी के साथ क्लब की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए डॉक्टर SK अटोदे, श्रीमती मंजीत कौर अरोरा और श्री राकेश पाटीदार ने क्लब की सदस्यता ग्रहण की। क्लब के सचिव प्रवीण डतोरिया ने रहवासियों से आग्रह किया कि जिन्हें घर में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं हो और जिन्होंने अपने परिवार के लिए खरीदे थे और अब वो इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, वो हमारे इस बैंक में दान कर सकते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज का जो आयोजन है बहुत ही मानव सेवा के लिए बहुत ही अच्छा है। ये इस प्रकार की सुविधा है, यदि मिलती है मरीज को तो मरीज अपनी जान बचा सकता है। ये बहुत ही अच्छा जो है रोटी क्लब हमेशा इस प्रकार का काम करती रहती है और इसलिए आप रोटी क्लब वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस प्रकार से कार्य करती है रोटरी क्लब ऑफ खरगोन सिटी के द्वारा। मेडिकल इक्विपमेंट बैंक शुरू किया गया है। यदि किसी के घर में कोई समस्या आती है या उसको मेडिकली किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर कोई आर्थिक बोझ ना बने, इस उद्देश्य को लेकर ये बैंक शुरू किया गया है। इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी सुविधा जनमानस जनता के लिए निःशुल्क रहेगी। लोग इस इक्विपमेंट का उपयोग कर सकते हैं और इसे निःशुल्क ही हमारे द्वारा रन किया जाएगा। इस बैंक में क्या 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 इक्विपमेंट है? इस बैंक में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, फोल्डिंग बेड और इसके अलावा अन्य जितने भी एडवांस इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, हम धीरे धीरे इसको फ्लरिश करेंगे ताकि आने वाले समय में लोगों को आर्थिक बोझ ना पड़े। ये विचार आपके मन में कैसा आया इस तरह का? अभी COVID-19 की ये जो समस्या आई उसमें हम लोगों ने देखा कि लोग बहुत परेशान हुए और कहीं ना कहीं आवश्यकता लगने लगी थी कि समाज को ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जो एक बार उपयोग होने के बाद यदि वो कोई सामग्री खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए व्यर्थ हो जाती है और आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है परिवारों में मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लेकर। तो इनको कम करने के लिए हम लोगों ने ये बैंक शुरू किया है और हमारे क्लब के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका भी एक ड्रीम रहा है और आने वाले अध्यक्ष महोदय जो हैं वो इसको और आगे बढ़ाने का सपना रखते हैं। तो आने वाले समय में ये एक खरगोन के लिए एक विशाल बैंक के समान हम संचालित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।